विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश उत्तराखंड के शासन प्रशासन के बारे में कर रहे थे, कुछ पॉइंट बता रहा हूं मैं। ठीक है, आपको बताइए आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था 1814 में, तो 1814 में क्या हुआ कि गढ़वाल पर और 1815 में कुमाऊं पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। ठीक है, कुमाऊं जनपद का गठन किया गया। इसके बाद क्या किया गया, जब 1814 में गढ़वाल और 1815 में कुमाऊं पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया, तो उसके बाद कुमाऊं जनपद का गठन किया गया और गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह से जो क्षेत्र लिया गया उसको मिलाकर क्या कर दिया गया, कुमाऊं का एक परगना बना दिया गया। क्या कर दिया गया, कुमाऊं का एक परगना बना दिया गया। देहरादून चक्राता को पहले सारनपुर और फिर कुमाऊं में सम्मिलित किया गया। तो आपने ये ध्यान रखना कि देहरादून को पहले सारनपुर में और बाद में क्या कुमाऊं में सम्मिलित किया गया। 1871 में देहरादून को एक जिले के रूप में गठित करके मेरठ मंडल में सम्मिलित कर दिया गया। अब यहां से क्वेश्चन बनेगा भाई, मेरठ मंडल पहले आपसे पूछेगा हो कि देहरादून पहले सारनपुर में था फिर कुमाऊं में सम्मिलित किया गया, इसे कब मेरठ मंडल में शामिल किया गया, आपने बोलना है 1871। क्या बोलना है, 1871 से देहरादून एक जिले के रूप में गठित करके, देहरादून को एक जिले के रूप में गठित करके मेरठ मंडल में सम्मिलित कर दिया गया। ठीक है, तो उत्तराखंड में दो राजनीतिक प्रशासनिक इकाइयां थी, एक कुमाऊं जनपद था और एक टिहरी रियासत थी। टिहरी रियासत पता ही है, वहां राजा थे, और एक थी कुमाऊं, एक था कुमाऊं जनपद। यानी दो राजनीतिक इकाइयां थी, केवल दो राजनीतिक प्रशासनिक इकाइयां। ठीक है, 1840 में क्या किया कि ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर से हटाकर पौड़ी लाया गया। कहां लाया गया, फिर पूछेगा आपसे कि ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर से हटाकर पौड़ी कब लाया गया, आपने फिर याद रखना 1840। पहले भी क्वेश्चन बन चुका है, दोबारे बन सकता है। ठीक है, इसका मतलब 1840 में पौड़ी गढ़वाल नामक एक नए जिले का गठन किया गया। दूसरी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि पौड़ी गढ़वाल नामक नए जिले का गठन कब किया गया, आंसर 1840। तो मैंने आपको दो क्वेश्चन बता दिए, यहां से कौन कौन से आएंगे। एक पूछेगा ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर से हटाकर पौड़ी कब लाया गया 1840 में। दूसरा क्वेश्चन दूसरी तरह से पूछेगा कि पौड़ी गढ़वाल को, पौड़ी गढ़वाल नामक नए जिले का गठन कब किया गया, तो आपने फिर याद रखना 1840। इतना समझ में आ गया। अब क्या हुआ 1854 में, किसमें, अभी 1857 का विद्रोह नहीं हुआ देश में, लेकिन 1854 में कुमाऊं मंडल का गठन करके नैनीताल को मुख्यालय बनाया गया। किसको मुख्यालय बनाया गया, नैनीताल को मुख्यालय बनाया गया। और 1890 में कुमाऊं कमिश्नरी में केवल कुमाऊं और पौड़ी गढ़वाल दो जिले ही रहे। कब तक, 1890 तक कुमाऊं कमिश्नरी में केवल दो जिले थे, एक था कुमाऊं और एक था पौड़ी गढ़वाल, है ना। तो भाई 1891 में कुमाऊं जिले को अल्मोड़ा और नैनीताल नामक दो जिलों में बांट दिया गया। फिर पूछेगा क्वेश्चन, क्या पूछेगा, कुमाऊं जिले को, देखो 1890 तक आपको पता है, 1854 में क्या बताया मैंने आपको, कुमाऊं मंडल का गठन करके नैनीताल को मुख्यालय बनाया गया। यहां से एक क्वेश्चन पूछ सकता कि नैनीताल को कब मुख्यालय बनाया, तब आपने बोलना 1854 में, 1854 में। बल्कि इसके साथ ये भी याद रखना कि 1854 में ही वुड डिस्पैच आया था। क्या आया था, वुड्स डिस्पैच आया था, जिसको भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। डलहौजी का टाइम था, ठीक है, तो डलहौजी के समय में 1854 में वुड का डिस्पैच, वुड्स डिस्पैच, शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा। और 1854 में ही नैनीताल को क्या किया गया, मुख्यालय बनाया गया। समझ में आ गया इतना। फिर क्या किया गया, अब यहां से 1854 से लेके 1890 तक कुमाऊं कमिश्नरी में केवल कुमाऊं और पौड़ी ये दो ही जिले रहे। कौन कौन से दो जिले, कुमाऊं और पौड़ी। अब पूछेगा आपसे कि अल्मोड़ा और नैनीताल नामक दो जिले, जो कुमाऊं जिला है उसको अल्मोड़ा और नैनीताल नामक दो जिलों में कब बांटा गया, तो आपने बोलना 1891 में। कब, 1891 में। और ये 1 अगस्त 1949 तक कुमाऊं मंडल में केवल तीन जिले रहे, एक पौड़ी रहा, एक अल्मोड़ा रहा और एक नैनीताल रहा, और एक रियासत रही, कौन सी, टिहरी रियासत, जहां पे की राजा थे। ठीक है, तो कुल मिला के मैंने कहा 1 अगस्त 1949 तक कुमाऊं मंडल में केवल
तीन जिले पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल और एक टिहरी रियासत, ठीक है, जहां पे कि राजा थे वो थी बस। 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत को कुमाऊं मंडल के चौथे जिले के रूप में सम्मिलित करके टिहरी गढ़वाल नाम दिया गया। क्या दिया गया? यानी पहले तो रियासत बोलते थे हम, अब पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल और टिहरी, अब क्या हो गए? चार जिले हो गए। किसमें? किसमें भाई? कुमाऊं मंडल में चौथा जिला आ गया टिहरी रियासत, ठीक है, तो टिहरी गढ़वाल नाम दिया गया इसको, तो अब चार जिले हो गए कुमाऊं मंडल में। तो समझ में आ गया। 1960 में टिहरी जिले से काटा गया उत्तरकाशी, पौड़ी जिले से काटा गया चमोली और अल्मोड़ा से काटा गया पिथौरागढ़। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ नामक नए जिलों का गठन कब हुआ? आपने आंसर देना है 1960। एक क्वेश्चन पूछेगा, उत्तरकाशी किससे अलग हुआ? आपने बोलना टिहरी से। साथ में मैप को देखते रहिए भाई, उत्तरकाशी किससे हुआ अलग? आंसर टिहरी से। फिर पूछेगा चमोली किससे अलग हुआ, तो आपने बोलना पौड़ी से। चमोली किससे अलग हुआ? पौड़ी से। और पिथौरागढ़ किससे अलग हुआ? आंसर अल्मोड़ा से। अब ध्यान रखना कि ऊपर के तीन जिले जो हैं, जो कि चीन से टच करते हैं, कौन कौन से? उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, ये तीनों के तीन जिले जो हैं, ये कब बने हैं? 1960 में बने हैं। कब बने हैं? 1960 में बने हैं। यहां से क्वेश्चन पूछेगा या फिर ये पूछेगा कि किस किस से टूटे, ये मैंने बता दिया आपको, बार बार सुनते रहिए, याद होता रहेगा, ठीक है। 1969 में गढ़वाल मंडल गठित करके एक नया मंडल बन गया, पहले कुमाऊं बोलते थे हम, एक ही मंडल था कुमाऊं मंडल, अब क्या हुआ? गढ़वाल मंडल गठित हुआ। गढ़वाल मंडल गठित करके पौड़ी को गढ़वाल मंडल का मुख्यालय बनाया गया। जब गढ़वाल मंडल बना तो उसका मुख्यालय कहां बना? पौड़ी बना, ठीक है। टिहरी, पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी को कुमाऊं मंडल से निकालकर क्या कर दिया गया? गढ़वाल मंडल में रख दिया गया। किसमें रखा गया? गढ़वाल मंडल में रख दिया गया। और नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, ये किसमें रह गए? कुमाऊं मंडल में रह गए। तो भाई किसी जमाने में कुमाऊं मंडल में तीन जिले थे खाली, कौन कौन से? नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़। और गढ़वाल मंडल में कौन कौन से जिले थे? टिहरी, पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी। टिहरी, पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी। उसके बाद क्या हुआ? 1975 में देहरादून को मेरठ मंडल से हटाकर, अभी देखो देहरादून मेरठ मंडल में कब तक रहा? 1975 तक रहा। कब तक रहा? 1871 में चला गया था मेरठ मंडल में देहरादून। कब? 104 साल तक यहीं रहा वो। 1871 में अगर 104 जोड़ेंगे हम तो कितना होगा? 1975 होगा। यानी 104 साल तक देहरादून किस मंडल में रहा? मेरठ मंडल में रहा। अब 1975 में देहरादून को मेरठ मंडल से हटा दिया गया और गढ़वाल मंडल में सम्मिलित कर दिया गया। समझ में आया? मंडल समझते हैं ना, मंडल बड़ा प्रशासनिक क्षेत्र होता है। जैसे उत्तराखंड में दो ही मंडल हैं अभी, गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल। तो अब ऐसे ही मैंने कहा कभी देहरादून मेरठ मंडल का था, किसका था? 1975 में उसको मेरठ मंडल से हटाकर गढ़वाल मंडल में सम्मिलित कर दिया गया। 28 दिसंबर 1988 को हरिद्वार का सृजन हुआ भाई। किसका? यहां से क्वेश्चन पूछेगा फिर, हरिद्वार का सृजन कब हुआ? आप बोलोगे कि भाई हरिद्वार तो बहुत पुराना है। क्या है? है ना, जब वो क्या बोलते हैं, समुद्र मंथन हुआ था, अमृत की बूंदें गिरी थी, हरिद्वार तो तब से है। वैसे नहीं पूछ रहा है, प्रशासनिक दृष्टि, शासन प्रशासन की दृष्टि से पूछ रहा है कि हरिद्वार का सृजन कब हुआ। तो आपको डेट याद करनी पड़ेगी, 28 दिसंबर 1988। यार तीन दिन और रुक जाते, 28 दिसंबर मुश्किल नहीं हो गई याद करनी, तीन दिन और रुक जाते, 1 जनवरी 1989 को कर देते, आसान हो जाता है याद करना। ऐसे करके थोड़ा सा क्या किया करो, मजाक किया करो, तब याद हो जाता है कि तीन दिन पहले ही क्या कर दिया, 28 दिसंबर 1988 को हरिद्वार का सृजन हो गया। कब हुआ? अब 88 ऐसे याद रहेगा नहीं, आपने ऐसे याद रखना इंदिरा गांधी जी की जो मृत्यु हुई थी, हत्या हुई थी, वो 84 में हुई थी, 84 के चार साल बाद। ऐसे याद करो कि हरिद्वार इंदिरा गांधी की हत्या के चार साल बाद क्या हो गया था, गठित हो गया था 28 दिसंबर 1988 को। राज्य गठन के बाद इसे क्या किया गया? सहारनपुर मंडल से हटाकर गढ़वाल मंडल में सम्मिलित कर दिया गया। इसका मतलब हरिद्वार कहां था? सहारनपुर मंडल में था। कहां था?
सहारनपुर मंडल में था, उसको कहां रख दिया गया, गढ़वाल मंडल में सम्मिलित कर दिया गया। फिर क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में सरकार थी बहन मायावती की, मायावती ने 3 जिले बना दिए और एक साथ बनाए, क्या किए गए, मतलब आसपास ही बनाए। पहले उधम सिंह नगर बनाया, पहले उधम सिंह नगर बना, 30 सितंबर 1995 को क्या हुआ, उधम सिंह नगर बना, 30 सितंबर 1995 को क्या किया गया, उधम सिंह नगर बना। उधम सिंह नगर पता है आपको, सरदार उधम सिंह के नाम पर है। सरदार उधम सिंह वही हैं जो छोटे बच्चे थे, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो रहा था, बैसाखी का दिन था, 1919 का वर्ष था, है ना। ये उधम सिंह बड़े हुए, इन्होंने कसम खाई थी मैंने क्या करना, डायर को मारना है, इंग्लैंड गए डायर को मारने, और मारा इन्होंने, गोली चलाई वहां पर, ठीक है। और इन्होंने अपना नाम क्या रखा था, राम मोहम्मद सिंह आजाद, क्या नाम रखा था, वही सरदार उधम सिंह है। इनकी पिक्चर देखना, 2 पिक्चरें बन चुकी हैं इन पर, एक में राजबब्बर है उधम सिंह बने हुए, और एक नई पिक्चर बनी है। दोनों पिक्चरों को आप देखोगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कितना क्रोध रहा होगा इनके अंदर। जब इन्होंने डायर को देखा तो इन्होंने अपने दांत कीटे समझे, हाँ, और इनके दांत टूट गए, इतना क्रोध था इनके अंदर। किससे, किसके प्रति, डायर के प्रति, ऐसा बताया जाता है, ठीक है, इतिहास में लिखित नहीं है, लेकिन किंवदंतियां कहती हैं कि ऐसा हुआ था। तो सोचो आप इतना क्रोध रहा होगा, उन्होंने डायर को मारा, राम मोहम्मद सिंह आजाद। ये उत्तर प्रदेश पीसीएस वालों ने क्वेश्चन पूछा कि इन्होंने अपना नाम क्या रखा था, राम मोहम्मद सिंह आजाद, राम मतलब हिंदू, मोहम्मद मतलब मुस्लिम, सिंह मतलब सरदार सिख, और आजाद मतलब आजाद, तो आजादी के लिए तो कर ही रहे थे ये लोग, ठीक है। तो 30 सितंबर 1995 को उधम सिंह नगर जिले का गठन हुआ। फिर बहन मायावती ने क्या किया, 1997 में क्या, चंपावत बागेश्वर और 1997 में ही रुद्रप्रयाग, यार 3 छोटे छोटे जिले बनाए। जो आपको मैप में 3 छोटे छोटे जिले दिखते हैं ना, कौन कौन से, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और चंपावत, ये बहन मायावती की देन है। ये 1997 में इन्होंने 3 जिले बना दिए, ये जिले बहुत छोटे हैं, ठीक है। तो 15 सितंबर 1997 को चंपावत और बागेश्वर बना और 16 सितंबर 1997 को रुद्रप्रयाग जिले का गठन हुआ। अब भैया जो जहां का है, माना कोई रुद्रप्रयाग से है, क्या है, वैसे तो अब नहीं पूछते, कोड दिए जाते हैं बाहर पर जब आपके इंटरव्यू होते हैं, माना आप पीसीएस का इंटरव्यू दे रहे हैं, ठीक है, तो कोड दिए जाते हैं, पर पहले ऐसा होता था, पहले पूछते थे, हाँ भाई क्या नाम है, अपने बारे में बताइए, अब ऐसा कुछ नहीं पूछते हैं। इससे क्या होता है, पार्शलिटी आ सकती है, हो सकता है कोई मेंबर क्या हो, आप ही के जिले का हो, आपको थोड़ा सा 2-4 नंबर 5 नंबर ज्यादा दे दे, तो अब कुछ पता नहीं होता कौन कहाँ का है, कोड होते हैं। और एक चीज याद रखना, जब इंटरव्यू में जाएंगे तो कोड याद कर लेना बाहर पे ही, क्योंकि पहला क्वेश्चन यही होता अंदर उनका, आपका कोड क्या है, और आप बोलोगे जी पता नहीं दिया तो था बाहर पे, तो इसका मतलब आप लापरवाह हो, ठीक है। तो कोड याद करना पड़ता है अंदर जाने से पहले। तो वैसे पूछ रहा हूं कि माना ऐसा तो होगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर माना आपने बोला कि जी मैं रुद्रप्रयाग से हूं, तो पूछेंगे रुद्रप्रयाग का गठन कब हुआ था, कब हुआ था, 16 सितंबर, भाई डेट के साथ बताना है, 16 सितंबर 1997, ठीक है। आप चंपावत के हैं या आप बागेश्वर के हैं, आपसे पूछा जाएगा कि चंपावत और बागेश्वर का गठन कब हुआ, आपने बोलना 15 सितंबर 1997, एक दिन का अंतर है खाली, 15 सितंबर 1997, 16 सितंबर 1997। अगर आपने बोला जी मैं उधम सिंह नगर का हूं, तो उधम सिंह नगर से तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, पूछा जाएगा गठन कब हुआ, तो आपने बोला 30 सितंबर 1995, इनसे दो साल पहले 97 में उधम सिंह नगर का गठन हो चुका था, और राम मोहम्मद सिंह आजाद, सरदार उधम सिंह, ठीक है। चलो, तो इस तरह से मैंने कहा यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना होती है, एक नंबर भी मिला आ जाएगा कि भाई सफल हुए। थोड़ा सा रेवेन्यू पुलिस के बारे में बता दूं, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज जो थे वो उत्तराखंड के सभी क्षेत्रों में सिविल पुलिस व्यवस्था लागू करना चाहते थे। क्या करना चाहते थे, सिविल पुलिस लागू करना चाहते थे। ये तो पता ही होगा आपको, रेवेन्यू पुलिस कहाँ होती है, राजस्व पुलिस कहाँ होती है, पटवारी लोग कहाँ होते हैं, जहां पुलिस नहीं होती है वहां पटवारी चौकी होती है, ये पता है, है ना। वहां पर जैसे आपके दरोगा होते हैं पुलिस में, वैसे ही समझ लीजिए कि दरोगा जो है उन्हें पटवारी है, है ना। पुराने जमाने में तो पटवारी का बड़ा भय होता था, पटवारी जी जब गांव में आते थे तो सारे बच्चे बूढ़े सब भाग कर क्या
अंदर चले जाते थे, है ना। और जब भी कोई अच्छी चीज लगती थी खेतों में या कहीं पर भी, तो पहला भाग जो देना होता था वो किसको देना, पटवारी जी को देना होता था। बड़ी इज्जत थी पटवारी जी की, ठीक है। तो भाई अंग्रेज चाहते थे कि कौन सी व्यवस्था लागू हो, सिविल पुलिस व्यवस्था लागू हो, लेकिन कुमाऊं में कमिश्नर थे कौन, रैमजे। कौन थे? कुमाऊं कमिश्नर रैमजे, जो कि 1856 से 1884 के बीच में रहे। उन्होंने क्या किया कि राज्य की जनता को सीधा साधा बताते हुए राजस्व पुलिस व्यवस्था को बनाए रखने की सिफारिश की। क्या की? उन्होंने कहा कि भाई जनता जो है बहुत सीधी सादी है, वर्दी देख के क्या होती है, डरती है। वर्दी का अपना एक क्या होता है, इसीलिए कुछ लोग क्या करते हैं, आईएएस नहीं भरते हैं, आईपीएस भरते हैं, जबकि थर्ड रैंकिंग होती है आईपीएस की, लेकिन क्या भरते हैं, हाँ जी। तो रॉब होता है वर्दी का एक। तो उन्होंने कहा भाई जनता डरती है, सीधे साधे लोग हैं, क्या कर रहा हूं, क्या करो, यहाँ पे पटवारी चौकियां खोलो। पटवारी जी जो होते हैं वो सिविल ड्रेस में होते हैं, ठीक है। हालांकि उनके पास भी एक हथकड़ी होती थी, उनके पास भी क्या एक छोटी सी, मतलब पटवारी चौकी में ही जेल होती, मतलब जेल नहीं बोलेंगे उसको, एक जैसे किसी कैदी को बंद करना है वहां पर, है ना, इस तरह का होता था। तो राजस्व पुलिस व्यवस्था को बनाए रखने की सिफारिश किसने की, भाई रैमजे ने की। रामजे, कुछ लोग तो रामजे बोलते थे इनको, गढ़वाल के लोग क्या बोलते थे, रामजी। रैमजे बोलना नहीं आता था, क्या बोलते थे, रामजी। तो चलो रैमजे ने 1856 से 1884 में राज्य की जनता को सीधा साधा बताते हुए, ये मेरे ख्याल से किसी पेपर में आया अभी, राजस्व पुलिस, है ना, व्यवस्था को बनाए रखने की सिफारिश की। राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था 1874 से लागू है। कब से लागू है? 1874 से लागू है। अब आपने ये सन याद करना है, मैं यहां से क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। अगर मैं पेपर बनाऊंगा तो मैं कहूंगा कि उत्तराखंड में कब से लागू है, भाई 1874 से है। और 1874 से 2024 तक कितने साल होते हैं, मतलब ये राज्य कब से देख रहा है पटवारियों को? अरे भाई 1874 से बोल रहा हूं मैं, 1874 से 1974, 100 साल हो गए। अब और जोड़ो, 2024 तक बताओ मुझे कितने साल हो गए। अरे यार गणित का प्रयोग करो, आर्यभट्ट इसी देश के थे, उन्हीं की आप वो हो, उन्हीं के वंशज हो भाई। 150, कितने कायदे से पटवारियों को सम्मानित करना चाहिए, 150 सालों से क्या कर रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जितने भी कानून को हैं, तहसीलदार हैं, उन्हें बताना चाहिए कि आपने राज्य की सेवा की है भाई, पिछले 150 सालों से कर रहे हैं आप लोग। चलो बाइक मिल चुकी है वैसे, जितने भी पटवारी लोग हैं उन्हें बाइक मिल रही है अब, है ना। तो वर्तमान में राज्य के पर चलाएंगे कहां भाई, पहाड़ों में तो बड़ी समस्या है। चलो वर्त है, अरे बुलेट में कहां जाएंगे यार, ऐसे थोड़े होता है, फील्ड का वर्क जो होता है। चलो वर्तमान में राज्य के लगभग 61% भाग में यह व्यवस्था लागू है। कितने परसेंट भाग में लागू है? 61%। और धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, हट रहा है, ये कम होता जा रहा है क्षेत्रफल। तो 61% भाग पर यह व्यवस्था लागू है। इस व्यवस्था में पटवारी जी होते हैं, पटवारी जी जब प्रमोट होते हैं तब कानून गो बनते हैं, कानून गो जब प्रमोट होते हैं तो नायब तहसीलदार बनते हैं, नायब तहसीलदार जब प्रमोट होते हैं तो तहसीलदार बनते हैं, तहसीलदार जब प्रमोट होते हैं तो परगनाधिकारी बनते हैं, परगनाधिकारी से परगनाधिकारी तक भी नहीं जाते, किरते परगनाधिकारी बुढ़ापे में 60 साल में अगर पहुंचे, अगर बहुत अच्छे काम किए तो जिलाधिकारी नहीं बन सकते पटवारी, प्रमोट उतना प्रमोशन नहीं होता है उसके लिए, 2-3 साल में सिलेक्ट होना पड़ेगा उनको। जब वो 2-3 साल के होते हैं भाई, पटवारी कब बनेगा आदमी, 21 साल के बाद ही बनेगा, इतना समय नहीं होता है, इतना जो होता है ना। तो परगनाधिकारी, जिलाधिकारी और कमिश्नर, ये समझ में आ गया। पटवारी के बॉस हैं कौन, पटवारियों के प्रधान कौन है, हेड कौन है, कानून गो। कानून गो के हेड कौन है, नायब तहसीलदार। नायब तहसीलदार के हेड कौन है, तहसीलदार। तहसीलदार के हेड कौन है, एसडीएम, परगनाधिकारी। एसडीएम के कौन है, डीएम। डीएम से ऊपर कौन है, कमिश्नर। समझ में आया। अगर आप आईएएस बने तो आप जिलाधिकारी रहेंगे पहले, और उसके बाद कमिश्नर भी बनेंगे, कुमाऊं कमिश्नर, गढ़वाल कमिश्नर, दो ही कमिश्नर होते हैं यहाँ पे, है ना। लेकिन अगर आप पीसीएस से बने तो आप पहले एसडीएम बनोगे, फिर एडीएम बनोगे, फिर हो सकता है कि आपको कार्डर मिल जाए। जैसे कि इस राज्य में जो पहला बैच था उसमें जितने भी पीसीएस में निकले थे टॉपर्स, जो जितने भी लोग थे,
जो कि क्या थे, एसडीएम बने थे 2002-03 के आसपास, 3 के आसपास, 3-4 के आसपास, उन लोगों को कैडर मिल चुका है। किसका? आईएएस का कैडर। इतना समझ में आ गया? ठीक। तो और लगभग 20 साल लगे भाई कैडर मिलने में। कितने? और वो भी नया स्टेट है इसलिए मिल गया कैडर। उत्तर प्रदेश में तो बूढ़ा हो जाता आदमी तब कैडर नहीं मिलता। समझ में आया? उत्तर प्रदेश में बूढ़ा हो जाता आदमी। उत्तराखंड नया राज्य था इसलिए जो पहले टॉपर थे उनको बहुत फायदा मिला। 20 साल में क्या हो गया, लगभग लगभग सभी को आईएएस कैडर मिल चुका है। ठीक है। यहां अपराधों की जांच करना, मुकदमा दर्ज करना और अपराधियों को पकड़ना राजस्व पुलिस की ही जिम्मेदारी है। किसकी? राजस्व पुलिस की जिम्मेदारी है। पिछले कुछ समय से राजस्व क्षेत्रों में सिविल पुलिस के हवाले करने की मांग जोरों से उठी है। इस मांग के पीछे राजस्व पुलिस के पास अपराध रोकने की पुख्ता व्यवस्था न होने और तकनीकी जानकारी के अभाव में अपराधों की जांच प्रभावी ढंग से न कर सकने का तर्क दिया जाता रहा है। ठीक है। जब भी हम बोलते हैं, कुछ घटनाएं हुई हैं अभी हाल ही में, आपको भी पता है ना, उत्तराखंड की बेटी कौन, अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ, उसमें दोष लगाए गए राजस्व पुलिस पर। लेकिन मैं ये बता दूं कि उनकी ट्रेनिंग इस प्रकार की होती नहीं थी, उनको वो सबूत इकट्ठा कर सके और क्या कर सके। मैं पैरवी नहीं कर रहा हूं, पर मैं बता रहा हूं कि वास्तव में ट्रेनिंग नहीं है, तो इसलिए बोला जा रहा है भाई सिविल पुलिस के नियंत्रण में लेके आओ। किसको? पुलिस की जो कार्य करने की शैली है वो अलग होती है, राजस्व पुलिस की कार्य करने की शैली जो होती है वो अलग होती है। ठीक है। पुलिस के पास और भी संसाधन होते हैं, जितने भी मतलब एविडेंस जो इकट्ठे करने होते हैं वो उनके पास, कौन सी टीम होती है, फॉरेंसिक टीम होती है, फॉरेंसिक की सहायता लेते हैं और बहुत सारी चीजें। तो न्याय नहीं मिल पाया इस राज्य में कई लोगों को। एक ही घटना नहीं बता रहा हूं मैं, कई घटनाएं बता रहा हूं जहां पर न्याय नहीं मिला है। इसलिए बोला जा रहा है कि भाई क्या करो, सिविल पुलिस के नीचे लेके आओ क्षेत्रों को। ठीक है। ऐसे में क्या करते हैं, अपराधी जो होते हैं बच जाते हैं, अपराध करते हैं फिर भी क्या है, क्योंकि कानून तो सबूतों पर चलता है, सबको पता है कि अपराधी कौन है, लेकिन अपराधी फिर भी सामने से क्या हो जाता है, बच के निकल जाता है। तो ये दिक्कतें हैं। ठीक है। तो अभाव में अपराधों की जांच प्रभावी ढंग से न कर सकने का तर्क दिया जाता रहा है। अंग्रेजी शासन काल में कुमाऊं में 19 परगने थे और 125 पट्टियां थी। कितनी? 125 पट्टियां थी, पटवारी क्षेत्र जिनको बोलते हैं, पट्टियां मतलब पटवारी क्षेत्र। जबकि गढ़वाल में 11 परगने थे और 86 पट्टियां थी। पटवारी क्षेत्र कितने थे? 86। मैं यहां से क्वेश्चन पूछता कि अंग्रेजी शासन काल में कुमाऊं में कितने परगने थे, गढ़वाल में कितने परगने थे? तो कुमाऊं में 19 परगने थे, गढ़वाल में 11 परगने थे। कितने? 11 परगने थे। मैं पूछता कुमाऊं में कितनी पट्टियां थी, तो 125 पट्टियां थी। गढ़वाल में कितनी पट्टियां थी, तो 86 पट्टियां थी। कितनी? तो या तो मैं कुमाऊं का अलग करके पूछता या गढ़वाल का अलग करके पूछता। मैं से पूछता कुमाऊं में कितने परगने, अंग्रेजी शासन काल में कुमाऊं में कितने परगने, कितनी पट्टियां थी? 19 परगने, 125 पट्टियां थी। गढ़वाल में कितने परगने, कितनी पट्टियां थी? 11 परगने और 86 पट्टियां थी। इतना समझ में आ गया? ठीक है। अब आज हमें करना है भाई, मैं आगे बढ़ के आपको बता रहा हूं, विधानमंडल के बारे में समझा रहा हूं मैं आपको। विधानमंडल किसके बारे में? विधानमंडल। तो विधानमंडल का आपको पता ही है, संसद हो विधानमंडल हो, पहला कार्य जो होता है विधि निर्माण होता है। क्या होता है? कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया, बेरक का है। विधानमंडल का जो पहला कार्य होता है वो क्या होता है? विधि निर्माण होता है। क्या होता है? विधि निर्माण होता है। इतना समझ में आ गया? ठीक है। तो राज्य के विधि निर्माण के लिए विधानमंडल की व्यवस्था की गई है उत्तराखंड में भी। ठीक है। विधानमंडल के दो अंग होते हैं, हमारे राज्य में दो अंग हैं, पहला राज्यपाल और दूसरा, मैंने बता दिया कि विधानमंडल बोलते हैं लेजिस्लेचर को। किसको बोलते हैं? लेजिस्लेचर को बोलते हैं। लेजिस्लेचर इज इक्वल टू, वन इज गवर्नर, टू इज विधानसभा। विधानसभा के आगे आपने लिखना लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली के आगे लिखना है आपने लोअर हाउस, लिखना है लोअर हाउस और निम्न सदन भी बोल सकते हैं। और फिर तीसरे नंबर पे आपने लिखना है विधान परिषद, लेकिन हमारे राज्य में नहीं है तो आपने विधान परिषद को लिखना है लेजिस्लेटिव काउंसिल अपर हाउस। क्या लिखना है? उच्च सदन। ठीक है। लेकिन आपने साथ में लिखना है कि जिन राज्यों में मौजूद है, जैसे उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है ना, महाराष्ट्र में है ना, तो
मैंने क्या बताया, उत्तराखंड में जो विधानमंडल बनता है वो राज्यपाल और विधानसभा को मिलकर बनता है। विधानसभा निम्न सदन है, लेकिन सारी पावर्स जो होती हैं किसके पास होती हैं, लगभग लगभग निम्न सदन के पास होती हैं। इतना समझ में आ गया। विधान परिषद क्यों नहीं बनी, क्योंकि छोटा राज्य है। विधान परिषद कहाँ होती है, बड़े राज्यों में होती है, कुछ राज्यों में। अच्छा, विधान परिषद का सृजन और उत्सादन करने का अधिकार किसको होता है? आंसर, संसद को होता है। किसको होता है? संसद को होता है। ये पता है, संसद को होता है। संसद चाहे तो किसी राज्य में क्या कर सकती, विधान परिषद का सृजन कर सकती है, और यदि किसी राज्य में विधान परिषद है तो वहां से उसका उत्सादन कर सकती है। उत्सादन मतलब समाप्त कर सकती है, ठीक है। कुछ राज्यों में हुआ है ऐसा, जैसे तमिलनाडु हो गया, कहीं पर पहले विधान परिषद थी लेकिन बाद में क्या कर दिया गया, वहां से हटा दिया गया, है ना। कुछ राज्य हैं जहां पर बात मतलब हो चुका है कि भी विधान परिषद होंगी, लेकिन वहां पर उन्होंने विधान परिषद नहीं गठित किए हैं, है ना। ये सब चीजें हैं। तो विधान परिषद से होता क्या है, दरअसल बड़े राज्यों में भाई कानून बनाना, विधि निर्माण करना थोड़ा फिल्टर लग जाता है। क्या लग जाता है? क्योंकि उच्च सदन है, शिक्षित और बड़े अच्छे लोग होते हैं उसमें, विद्वान लोग होते हैं, तो क्या होता है कि फिल्टर होकर फिर क्या बनता है, कोई विधि बनती है, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि क्या अनावश्यक समय लगता है क्या करने में, विधि निर्माण में, कि पहले जी विधानसभा में पास कराओ, फिर विधान परिषद में पास। अच्छा, विधान परिषद है ही नहीं, विधानसभा ने पास किया, राज्यपाल ने साइन किया, बन गई विधि। और अगर विधान परिषद होगी तो क्या करना पड़ेगा, विधानसभा में पास कराओ, फिर विधानसभा में पास कराया, फिर बिल कहां गया, विधान परिषद में पास कराया। कभी कभी बनती नहीं है दोनों की। विधान परिषद वाले कहते हैं हम जी सहमत नहीं है, है ना, अनावश्यक रूप से क्या होती, देरी होती है। तो छोटे राज्यों के लिए ठीक है कि विधानसभा, राज्यपाल, बस, ठीक है। अब जी राज्यपाल, विधानमंडल के सबसे ऊपर का जो स्थान है वो किसका है, राज्यपाल का। नंबर वन पे मैंने आपको बता दिया कि नंबर वन पे राज्यपाल होता है। उसके हस्ताक्षर के बिना कोई कानून प्रवर्तन में नहीं आ सकता। अब मैं आपसे क्या करता, कथन कारण में एक क्वेश्चन पूछता कि विधानमंडल का एक अनिवार्य अंग राज्यपाल है, या राज्यपाल विधानमंडल का एक अनिवार्य अंग है, क्योंकि विधानमंडल इज इक्वल टू 1 इज राज्यपाल, 2 विधानसभा, 3 विधान परिषद जिन राज्यों में है, ऐसे तो बोलते हैं हम। पहला कथन तो बिल्कुल सही है। कारण में मैं देता कि बिना राज्यपाल के हस्ताक्षर के कोई भी बिल, कोई भी विधेयक एक्ट नहीं बन सकता। क्या नहीं बन सकता? एक्ट नहीं बन सकता। यह बात भी सही है। विधानसभा किसी बिल को पास कर दे, विधान परिषद किसी बिल को पास कर दे, जब तक राज्यपाल ने साइन नहीं किया तब तक वो कानून बनेगा ही नहीं। तो इसका मतलब कथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण कथन की क्या कर रहा है, पूरी पूरी पुष्टि कर रहा है। इतना समझ में आया क्या? एसर्शन रीजन, एसर्शन और रीजन दोनों क्या सही है। रीजन सेटिस्फाई कर रहा है किसको, एसर्शन को, ठीक है। राज्यपाल विधानसभा के अधिवेशन को आहूत करता है। क्या करता है? राज्यपाल विधानसभा के अधिवेशन को आहूत करता है, सत्रावसान करता है, विघटन करता है। क्या करता है? विघटन करता है। अब भाई ये सत्रावसान और विघटन में क्या अंतर होता है? तो आपको पता है कि सत्र जो होते हैं ना, सेशन बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, 3 सत्र चलते हैं किसी भी राज्य में, क्योंकि ऐसा लिखा हुआ है कि 2 सत्रों के बीच में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। यानी पहले सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच में 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। तो लगभग लगभग 3 सत्र बैठते हैं संसद में, 3 सत्र बैठते हैं। ऐसे राज्यों में भी कोशिश की जाती है कम से कम क्या हो, 3 सत्र बैठे। तो इस प्रकार से 6 माह का अंतराल नहीं हो पाता। कभी 5 महीने के, कभी 3 महीने, कभी 4 महीने के अंतराल में क्या होते हैं, सत्र बैठते हैं। अच्छा, विधानसभा हर समय नहीं चल रही होती है भाई। जब कार्यवाही चलेगी विधानसभा की, तो उसी को हम बोलते हैं कि सत्र चल रहा है, इस समय सेशन चल रहा है। क्या चल रहा है? सेशन चल रहा है। तो सत्रावसान कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। उस सत्र को कौन बुलाएगा? राज्यपाल बुलाएगा। कभी कभी विशेष सत्र भी बुलाए जाते हैं, विशेष सत्र, जैसा कि बताया जा रहा है कि उत्तराखंड में CAA के लिए, सिविल UCC के लिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए क्या हो सकता है, विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। तो उसका इंतजार कर रहे हैं सभी लोग कि विशेष सत्र कब बुलाया जाएगा। तो मैंने कहा सत्र भी बुलाता है, विशेष सत्र भी बुलाता है। तो राज्यपाल क्या करता है, सदनों के सत्र क्या करता है, मतलब विधानसभा के अधिवेशन को आहूत करता है। आहूत करता मतलब बोलता है आओ भाई बैठो, चलाओ, बनाओ, विधि निर्माण करो। दूसरा सत्रावसान करता है ना, सत्र की छुट्टी करता है, बोलता है अगला सत्र अगले उसमें होगा। पर 6 माह का अंतर नहीं होता, मैंने कहा कभी भी, क्या 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होता है। विघटन करता है,
राज्यपाल विधानसभा का विघटन कर सकता है, विधान परिषद का विघटन नहीं कर सकता। जैसे राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकता है, राज्यसभा का नहीं कर सकता, क्योंकि राज्यसभा स्थायी सदन है, केंद्र में क्या है, स्थायी सदन है। आर्टिकल 83 में साफ साफ लिखा हुआ है, 83 में साफ साफ लिखा हुआ है कि क्या, जो राज्यसभा है वो स्थायी सदन है, उसका क्या नहीं होगा, विघटन नहीं हो सकता, है ना। उसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है राज्यसभा के, 6 साल होता है ना। लेकिन एक तिहाई सदस्य प्रति दूसरे वर्ष क्या होते हैं, रिटायर होते हैं, उनकी जगह पे नए आते हैं। तो आपने मुझे ये बताना है कि 83 के साथ किस आर्टिकल को पढ़ते हैं हम, 83 के साथ बताओ, जल्दी बताओ भाई, 83 के साथ किसको पढ़ते हैं, आपको बोला था मैंने आर्टिकल याद कीजिए सबसे पहले। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन पे कमांड करनी है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा भाई, सबसे पहले आर्टिकल याद करने पड़ेंगे। अरे 83 के साथ बोल रहा हूं मैं, जैसे 83 में संसद के सदनों की अवधि लिखी हुई है वैसे ही 172 पढ़ना है उसके साथ। आपने क्या पढ़ना है, राज्यों में विधानमंडलों की अवधि। तो अवधि में एक लाइन लिखी होगी जब आप उसको डिटेल में पढ़ेंगे कि विधान परिषद क्या है, स्थायी सदन है, क्या है। अब हम अपने राज्य में नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन भाई क्वेश्चन तो बन सकता है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर का है। 172 में लिखा हुआ है भाई क्या, हाँ इनका भी कार्यकाल कितना होगा, 6 साल होगा विधान परिषद के सदस्यों का। इसमें भी क्या होंगे, एक तिहाई सदस्य, ऐसा होता है 172, ठीक है। तो उत्तराखंड के हिसाब से पढ़ते हैं भाई हम, वह सदन का सत्र शुरू होने पर सदन में अभिभाषण करता है, क्या करता है, अभिभाषण करता है भाई। अभिभाषण समझते हो, अरे भाई अभिभाषण का मतलब समझते हो, देखो जब भी विधानसभा का चुनाव होगा ना, क्या होगा, विधानसभा का जब भी चुनाव होगा तो जब पहली बार बैठक बैठेगी तो राज्यपाल क्या करता है उसमें, अभिभाषण करता है, क्या करता है, अभिभाषण करता है। और जब जब सत्र, जब भी साल में पहला सत्र बैठेगा तो उसमें भी क्या करेगा, अभिभाषण करेगा, क्या करेगा, अभिभाषण करेगा। और अभिभाषण का आर्टिकल कौन सा होता है, 176, क्या होता है, एक होता विशेष अभिभाषण, 175 और 176 को एक साथ पढ़ना है आपने। सदन या सदनों में अभिभाषण करने का और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार आर्टिकल 175 में है, और आर्टिकल 176 में क्या है, राज्यपाल का विशेष अभिभाषण है, क्या है, राज्यपाल का विशेष अभिभाषण है, ठीक है। आर्टिकल याद करने का तरीका क्या होता है, आपने क्या करना है, 86 को भाई केंद्र में क्या होता है, राष्ट्रपति करता है, तो 86 में राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति का सदनों में अभिभाषण का उनको संदेश भेजने का अधिकार किसमें दे रखा है, 86 में। 86 को पढ़ना है आपने किसके साथ, 175 के साथ, राज्यपाल का सदन या सदनों में अभिभाषण करने का उनको संदेश भेजने का अधिकार। तो मैंने क्या बताया आपको, 86 को किसके साथ पढ़ना है आपने, 175 के साथ पढ़ना है। और एक होता है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, वो होता है आर्टिकल 87 में, किसमें होता है, आर्टिकल 87 में। और राज्यपाल का विशेष अभिभाषण जो होता है 176 में होता है। 176 में से 87 घटा दीजिए, कितना आ रहा है, 89। तो आपने ये ध्यान रखना है, अगर आपने केंद्र के दो आर्टिकल याद कर लिए राष्ट्रपति वाले कि 86 87, उसमें 89 जोड़ देना, अपने आप ही किसके आ जाएंगे, राज्यों के आ जाएंगे। इतना समझ में आ गया, ठीक है जी। तो सदन का सत्र शुरू होने पर सदनों में अभिभाषण करता है, बजट रखवाता है भाई, क्या रखवाता है, बजट रखवाता है। ये भी बता दूं आपको, अगर आप केंद्र का बजट बोलेंगे तो वो 112 में होता है। बजट का जो संवैधानिक नाम होता है वो वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, क्या होता है, वार्षिक वित्तीय विवरण। और 202 में जो होता है वो राज्य का बजट होता है, वार्षिक वित्तीय विवरण। 202 में क्या होता है,
राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं उसको, तो आपने क्या करना है भाई, 112 के साथ 202 को याद करना है। क्या करना है? तो राज्यपाल भाई बजट रखवाता है, साक्षियों की निर्हरताओं सॉरी सदस्यों की निर्हरताओं का निश्चय करता है। क्या करता है? दल बदल को छोड़कर, क्या किसको छोड़कर, दल बदल के आधार पर कोई सदस्य डिस्क्वालीफाई है या नहीं, इसका निर्णय विधानसभा में विधानसभा का अध्यक्ष करता है और विधान परिषद में विधान परिषद का सभापति करता है। लेकिन दल बदल का मुद्दा अगर हम छोड़ दें तो अन्य डिस्क्वालिफिकेशन का निर्णय कौन करता है? सदस्यों की निर्हरताओं का निश्चय कौन करता है? राज्यपाल करता है। यहां पर कौन करता है? वहां पर राष्ट्रपति करता है। कौन करता है वहां पर भाई? राष्ट्रपति करता है। अगर मैं आपको बोलूं 102 को अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे, किसको 102 को डिटेल में पढ़िए, जरा जाइए बेरेक निकालिए 102 को पढ़िए, 102 या 103, 103, 103 पढ़ना पड़ेगा। 103 में राष्ट्रपति करता है। क्या करता है? 103 जो आर्टिकल है वो सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय है। उसमें बोला गया है कि यदि यह प्रश्न खड़ा होता है कि संसद के किसी सदन का कोई सदस्य है आर्टिकल 102 के खंड एक में वर्णित किसी निर्भरता से ग्रस्त है या नहीं, तो इसका निर्णय कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और राष्ट्रपति ये निर्णय करने से पहले क्या करेगा? निर्वाचन आयोग की क्या लेगा? निर्वाचन आयोग की राय लेगा। क्या लेगा? अब 103 को आपने राज्य में किसके साथ पढ़ना है जोड़ो जरा, अरे भाई इसीलिए बोलता हूं आर्टिकल याद करो, उससे क्या होगा, किसके साथ पढ़ेंगे भाई बोलो जल्दी, 103 को किसके साथ पढ़ेंगे आप? तो देखते हैं 192 में क्या लिखा हुआ भाई। तो 192 में सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्न पर विनिश्चय, यदि यह प्रश्न खड़ा हो जाता है कि राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य है आर्टिकल 191(1) में वर्णित निर्भरता से ग्रस्त है या नहीं, तो इसका निर्णय कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। और राज्यपाल ऐसा निर्णय करने से पहले किसकी राय मांगेगा? यहां पे फंसाऊंगा मैं जब क्वेश्चन दूंगा आपको। मैं क्या करूंगा? पहला ऑप्शन दूंगा निर्वाचन आयोग, जो देश का निर्वाचन आयोग होता है, और दूसरा ऑप्शन मैं दूंगा क्या? राज्य निर्वाचन आयोग। अब क्या दोगे आप आंसर? आपने निर्वाचन आयोग देना है आंसर। क्या? अरे भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इससे राय मांगेगा राज्यपाल? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मांगेगा। राज्य निर्वाचन आयोग मत कर देना। राज्य निर्वाचन आयोग क्या करता है? पंचायतों और नगर पालिकाओं के इलेक्शन कराता है। क्या कराता है? जो देश का निर्वाचन आयोग है वो राष्ट्रपति का इलेक्शन कराता है, उपराष्ट्रपति का कराता है, लोकसभा का कराता है, राज्यसभा का कराता है, आपका विधानसभा का कराता है, विधान परिषदों का जो कराता है वो देश का निर्वाचन आयोग कराता है हमेशा। राज्य निर्वाचन आयोग सिर्फ पंचायतों और नगर पालिकाओं का इलेक्शन कराता है। इतना समझ में आ गया? तो इसलिए राज्यपाल जब डिस्क्वालिफिकेशन के संबंध में पूछेगा आर्टिकल 192 के तहत, वो किससे पूछेगा? देश के निर्वाचन आयोग से पूछेगा। इतना समझ में आया कि नहीं आया? तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि राज्यपाल क्या करता है? सदस्यों की निर्भरताओं का निश्चय करता है। अगर कोई सदस्य डिस्क्वालीफाई है या नहीं, तो इसका निर्णय कौन करेगा? कौन करेगा? राज्यों में राज्यपाल करेगा। लेकिन मैंने बता दिया साथ में, अगर दल बदल के आधार पर कोई सदस्य डिस्क्वालीफाई है या नहीं, इसका निर्णय विधानसभा में विधानसभा का अध्यक्ष और विधान परिषद में विधान परिषद का सभापति करता है। यह समझ में आ गया? इसीलिए हम बोलते हैं क्या, दल बदल को छोड़कर अन्य निर्भरताओं का जो निर्णय करेगा केंद्र में करेगा राष्ट्रपति और राज्यों में करेगा राज्यपाल। याद हो गया? ठीक है जी, चलो। अच्छा जी, सदस्यों की निर्भरताओं का निश्चय करते हैं। विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए आरक्षित रखना,
भाई कई बार क्या होता है, देखो अधिकतर जो राज्य के विधेयक होंगे उन पर साइन कौन करता है? राज्यपाल करता है। लेकिन कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जिन पर राज्यपाल खुद साइन नहीं करता है, उनको वो आरक्षित रख देता है। किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए। इसके लिए अब मेंस में क्वेश्चन आता है, ऐसे कौन कौन से विधेयक हैं, ऐसा क्या होता है उन विधेयकों में जिसकी वजह से राज्यपाल स्वयं साइन नहीं करता और उसको क्या कर देता है? राष्ट्रपति के साइन के लिए आरक्षित रख देता है। तो वो आपने एक लिस्ट बनानी है, जब मैं पूरा पॉलिटी पढ़ा रहूंगा, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहूंगा, तो वहां पे आपको मैं लिखाऊंगा। फिलहाल हम उत्तराखंड पढ़ रहे हैं, उतना नहीं बता पाऊंगा मैं, ठीक है? तो मैंने कहा विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए आरक्षित रखता है। भाई माना कोई विधेयक है, उत्तरा क्या बोलते हैं, हाई कोर्ट की अधिकारिता को प्रभावित करने वाला विधेयक है। माना किसको? उच्च न्यायालय की अधिकारिता को प्रभावित करने वाला कोई विधेयक है, तो उसमें खुद साइन क्यों करेगा? वो किसके लिए आरक्षित रखेगा? राष्ट्रपति के लिए रखेगा, है ना? तो बाकी डिटेल में वहां पर बताऊंगा। विशेष परिस्थितियों में जब सदन सत्र में ना हो तब अध्यादेश जारी करता है। अब सदन सत्र में ना हो तब क्या है? जिन राज्यों में विधानसभा विधान परिषद होती है वहां पर हम बोलते हैं कि विधानसभा का सत्र चल रहा है, विधान परिषद का नहीं चल रहा है। विधान परिषद का चल रहा है जी, विधानसभा का नहीं चल रहा है, या दोनों का सत्र नहीं। तीन कंडीशन होती है, क्या होती है? तीनों कंडीशन को हम बोलते हैं कि जब सत्र ना चल रहा हो तब राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। क्या करता है? अगर राज्यपाल को यह क्या हो जाए, निश्चय हो जाए कि राज्य में क्या करना है, हमें कोई ऐसा कानून बनाने की आवश्यकता पड़ रही है, तो वो क्या कर सकता है? अध्यादेश के द्वारा क्या करता है? अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश जारी करके उस कानून को लेके आता है। इतना समझ में आ गया? अब फिर बता दूं, अगर राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति पूछेगा तो 1, 2, 3 लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट और पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रमल्गेट ऑर्डिनेंस, आर्टिकल 1, 2, 3। ऐसे ही लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर और पावर ऑफ गवर्नर टू प्रमल्गेट ऑर्डिनेंस, आर्टिकल 213। 1, 2, 3, 2, 1, 3। 1, 2, 3 कहां हो गया? केंद्र में हो गया। 213 कहां हो गया? स्टेट में हो गया। इतना समझ में आ गया? अध्यादेश और एक्ट में क्या अंतर है? तो भाई अध्यादेश का वही प्रभाव होता है जो एक्ट का प्रभाव होता है। एक्ट मतलब विधानसभा ने पास किया, विधान परिषद ने पास किया, राज्यपाल ने साइन कर दिया, एक्ट बन गया। तो राज्य में भी अध्यादेश का वही प्रभाव होता है जो किसका? एक्ट का होता है। अंतर क्या होता है? जो अध्यादेश होता है वह अल्पायु होता है। क्या होता है? अल्पायु मतलब इसकी जो होती है वो 6 महीने होती है। क्या होती है? 6 महीने क्यों होती है? क्योंकि सत्र 6 महीने के अंदर अंदर बुलाया जाना चाहिए। तो हो सकता है सत्र 4 महीने बाद बैठ जाए। क्या हो जाए? जैसे हमारे राज्य में विधानसभा है, माना 4-5 महीने में, 5 महीने बाद बैठ गया, तो 42 दिन के अंदर इतने 6, 7, 42 6 सप्ताह के अंदर उसको पास, मतलब उसको अनुमोदित होना चाहिए किसके द्वारा? हाँ जी, विधानमंडल या विधानसभा द्वारा होना चाहिए, अनुमोदित होना चाहिए, तब वो कानून बन जाता है। क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। इतना समझ में आ गया? तो विशेष परिस्थितियों में जब सत्र ना चल रहा हो तो अध्यादेश जारी करेगा कौन? गवर्नर। और अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है गवर्नर की, वो किस आर्टिकल में है? 213। ठीक है, ये सब कार्य क्या है? विधायी कार्य है उसके। क्या है? तो अब उसके बाद बात करेंगे विधानसभा के बारे में। इसके बारे में, विधानसभा के बारे में, होता है क्या कहा गया 170 में? भैया लोगों ने बैरक खरीद के घर में रखी होगा, छोटा संविधान है, इसको सारा ज्ञान के अंदर है, जिसको संविधान आ गया समझ लो सब आ गया। समझ में आया? सब आ गया मतलब पॉलिटी समझ में आ जाएगी उसके, अगर आपके बैरक समझ में आ गया तो। आर्टिकल आपने करना है 170 के तहत क्या होता है? विधानसभा का गठन होता है। भाई क्या होता है? विधानसभाओं की संरचना यानी कंपोजिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना? अब देखो आर्टिकल 333 था एक पहले ना, उसके साथ पढ़ते थे इसको, किसको? 170 को। 333 में लिखा हुआ था कि जब भी विधानसभा का किसी राज्य में क्या होगा, इलेक्शन होगा, है ना, और उसमें एक भी एंग्लो इंडियन जीत के नहीं आएगा, तो उस राज्य का राज्यपाल एक एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करेगा। इस प्रथा को मोदी जी ने कर दिया खत्म। क्या कर दिया?
बड़े नए नए काम कर रहे हैं भाई प्रधानमंत्री आपके, है ना, हमारे आपके। और ये सही भी किया, क्योंकि पूरे देश में जो एंग्लो इंडियंस है उनकी संख्या 1000 भी नहीं थी, और हर राज्य की विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन, यानी 28 एंग्लो इंडियन वहां बैठे हुए, दो एंग्लो इंडियन आर्टिकल 331 से कहां बैठे हुए, लोकसभा में बैठे हुए। अरे भैया क्या मतलब है, किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हो आप? 1000 लोगों से कम लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हो, तो आर्टिकल 331 और आर्टिकल 333 को तो कर दिया मोदी जी ने, मोदी सरकार ने समाप्त कर दिया। और ये ठीक किया, हम भी चाह रहे थे बहुत समय से ये क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। कहां तो लाखों पर एक प्रतिनिधि बैठता है, हजारों पर कितने प्रतिनिधि बैठे हुए थे? 28 राज्यों में 28 प्रतिनिधि और दो लोकसभा में बैठे हुए थे, 28 और दो 30 प्रतिनिधि, और 100 से कम मेरे ख्याल से 500 600 800 के आसपास होंगे एंग्लो इंडियन। क्या मतलब था? तो पहले 333 के साथ पढ़ते थे, अब 333 पढ़ने की जरूरत नहीं है, 331 333 दोनों खत्म। 331 बोलता था लोकसभा में दो एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति नॉमिनेट करेगा, और राज्यों में राज्यपाल एक एक एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करेंगे। पहले क्वेश्चन बनते भी थे कि उत्तराखंड में जी एक एंग्लो इंडियन कौन है, 70+1 है ना विधानसभा में, वो एंग्लो इंडियन का नाम याद करना पड़ता था। आप लोग भाग्यशाली हो कि आपको याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। चलो जी, तो 170 के तहत राज्य में वयस्क मतदाताओं द्वारा, अब भाई वयस्क मतदाता कौन होते हैं, जिनकी उम्र कितनी होती है, 18 साल होती है, पहले होती थी 21 साल। राजीव गांधी के समय में 61वां संविधान संशोधन हुआ, बोला गया भाई 21 साल नहीं 18 साल, कंप्यूटर लेके आए हम, 18 साल वाला भी तो वोट देगा, है ना। तो जो वयस्कता की आयु है, 61वां संविधान संशोधन याद करना है, और बोलना है आपने कि 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई। जितने भी वयस्क मतदाता होते हैं उनके द्वारा चुने गए सदस्यों द्वारा होता है, जैसे हमारे यहाँ 70 सीटें उत्तराखंड में, 70 सीटों पर क्या होते हैं, इलेक्शन होते हैं, 18 साल से ऊपर के जो भी बच्चे मतलब युवा होते हैं वो क्या करते हैं, वोट करते हैं। जिन्होंने अपना वोटर आईडी कार्ड नहीं बनाया है, कृपया अपना वोटर आईडी कार्ड तुरंत बना दे। इलेक्शन वाले दिन जिसके नेल पर इंक नहीं होगी, समझ लो वो इंस्टीट्यूट से बाहर है। कारण यह कि पढ़े लिखे लोग वोट नहीं करेंगे तो कौन करेगा भाई, है ना। और दूसरा क्वेश्चन कि वो जो इंक होती है वो क्या होती है, ढूंढो, क्वेश्चन बना हुआ, हटती नहीं ना भाई, कई दिनों तक हटती नहीं है। उस इंक का आपने केमिकल नेम बताना मेरे को, ठीक है जी। तो वयस्क मतदाताओं द्वारा चुने गए सदस्यों द्वारा होता है, इसके अनुच्छेद के तहत यह भी व्यवस्था है कि किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक 500 और 60 से कम लोग नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे भाई? सिल्वर नाइट्रेट होता है भाई, क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट होता है। देख लो भाई, हो सकता है इंक का चेंज कर दो, कुछ लोगों को एलर्जी होती थी उससे, पर पहले जो आंसर है वो सिल्वर नाइट्रेट है। क्या है? वैसा नाम बता दो, सिल्वर नाइट्रेट का नाम बता दो, सिल्वर नाइट्रेट ही होता है, क्या बोलेंगे उसको, एजी अग्निहोत्री है, अग्निहोत्री ना, AgNO3। हाँ ठीक है भाई, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि किसी भी राज्य की विधानसभा हो वहां पर क्या नहीं होता है, 60 से कम नहीं हो सकते, 60 से कम नहीं हो सकते, और 500 से ज्यादा नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते, बातें मत कीजिए भाई, 60 से कम नहीं हो सकते और 500 से ज्यादा नहीं हो सकते, किस आर्टिकल में लिखा हुआ, हाँ जी 170 में लिखा हुआ है। और आपको यह भी बता दूं कि आप 2024 में पहुंच गए हो, 2026 तक बहुत पहले व्यवस्था कर दी गई थी, ना तो लोकसभा की सीटें बढ़ेंगी, ना राज्यसभा की सीटें बढ़ेंगी, ना विधानसभाओं की सीटें बढ़ेंगी। अब 2026 के बाद जनगणना के सुसंगत आंकड़ों के प्रकाशन के बाद सबकी सीटें बढ़नी है। क्या बढ़नी है, यानी आपसे बाद के जो आपके छोटे भाई बहन जो पेपर देंगे तो वहां पर वो विधानसभा की जो संख्या होगी वो 70 नहीं पड़ेंगे 2026 के बाद। ऐसा लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब एक अमेंडमेंट हुआ था उसमें बोला गया था कि 2026 के बाद जनगणना के सुसंगत आंकड़ों के प्रकाशन के बाद
इसमें वृद्धि होनी है। क्या होनी है? वृद्धि होनी है, ठीक है। इसलिए नया संसद भवन बन गया है, नए संसद भवन में अब ज्यादा सांसद बैठेंगे। सारे राज्यों की विधानसभाओं के क्या जो विधान एमएलए होते हैं उनकी संख्या बढ़ेगी, एमएलसी जो है उनकी संख्या बढ़ेगी। 2026 याद रखना आपने, फिलहाल क्या याद रखना है, पूछना नहीं है, बताना है। 84वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 2001 द्वारा यह व्यवस्था की गई थी कि 2026 तक कोई सीटें नहीं बढ़ने वाली, 2026 के बाद जनगणना के जो जनगणना आएगी उसके सुसंगत आंकड़ों के प्रकाशन के बाद ये सीटें बढ़ी है। और मुझे लग रहा है कि जो सेंसस लेट हो रहा है एक कारण तो मेरे ख्याल से क्या था, कोरोना था। अब मुझे लगता है कि देखो अगर जनगणना 2031 की जनगणना का इंतजार करना पड़ता, क्या करना पड़ता। इसलिए मुझे लगता है कि अब जो सेंसस आएगा वो 2024 के बाद आएगा, तो सॉरी 2026 के बाद आएगा। क्या आएगा? ऐसा लग रहा है मुझे, बाकी तो है ना। तो क्या करेगा, तुरंत सीटें बढ़ा दी जाएंगी। क्या कर दी जाएंगी? बेरोजगारों की सीटें बढ़ी ना बढ़े लेकिन सांसदों की और विधायकों की सीटें बढ़नी है, ये मान के चलना आप। चलो तो भाई मैंने कहा 500 से किसी भी राज्य में 500 से ज्यादा नहीं हो सकते और किसी भी राज्य में 60 से कम नहीं हो सकते, लेकिन कई ऐसे एग्जाम्पल हमारे पास हैं कि जैसे हम पुदुचेरी की विधानसभा पढ़ते हैं, जैसे कि हम सिक्किम की विधानसभा पढ़ते हैं, जैसे कि अन्य राज्यों की नॉर्थ ईस्ट की विधानसभाओं के पढ़ते हैं, वहां 60 से कम है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में बोला जाता कि जो अगर माना कहीं पर क्या लिखा हुआ है कि क्या कुछ कम है 60 से, तो उसको बोला जाता 60 पढ़ा जाए, माना जाए ऐसा कि 60 है, क्योंकि संख्या है ही नहीं तो 60 कैसे करेंगे। इतना समझ में आ गया। तो किसी राज्य की विधानसभा में सबसे अधिक जो है वो 500 से ज्यादा नहीं हो सकते और 60 से, और इस आर्टिकल में संशोधन होना है। अब क्या होना है, क्योंकि 403 तो उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा की जो सदस्य संख्या है सबसे ज्यादा जो सदस्य संख्या होगा उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं, तो वहां तो जब अब बढ़ेंगी तो 500 से कई ज्यादा होंगी, वहां पर क्या होंगी, जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ी है वहां पर, तो वहां पर 500 से ज्यादा होनी है, तो इसमें भी संशोधन करना पड़ेगा अभी सरकार को, ठीक है। चलो जी, विधानसभा का चुनाव भाई विधानसभा क्षेत्रों के वयस्क यानी 18 वर्ष से ऊपर के मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष किया जाता है। प्रत्यक्ष का मतलब जहां पे आप खुद वोट डालने जाते हो उसको प्रत्यक्ष बोलते हैं, जरूरी हाँ डायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से करते हो तो प्रत्यक्ष इलेक्शन किया जाता है। आर्टिकल 173 में विधानसभा की सदस्यता के लिए निर्धारित योग्यता वही है जो लोकसभा के लिए, यानी भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, है ना, लाभ का पद ना धारण करता हो, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। और राज्यसभा के लिए क्या लिखा हुआ, राज्यसभा विधान परिषद के लिए एक जैसा है, 30 साल का हो, भारत का नागरिक हो, है ना। अरे भाई 30 साल सुनो, अगर आपको प्रधान बनना है कितने साल का बन सकता प्रधान, 21 वर्ष का बच्चा मतलब बालक बालिका बन सकते हैं, 21 साल अगर आपकी उम्र है आप प्रधान बन सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको अगर एमएलए बनना है तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 25, कितनी होनी चाहिए 25। अगर आपको एमएलसी बनना है तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 30। ऐसे ही अगर आपको एमपी बनना है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लोकसभा बनना है तो 25, मेंबर ऑफ राज्यसभा बनना है तो 30, राष्ट्रपति बनना है, राज्यपाल बनना है तो 35, ठीक है। तो आप में से कोई भी राज्यपाल राष्ट्रपति बनने लायक नहीं है, मैं हूं, ठीक है, 35 वर्ष से ऊपर। चलो, आप में कई लोग अभी प्रधान बनने के लायक भी नहीं है क्योंकि 21 वर्ष चाहिए, अभी कई लोग 21 वर्ष को प्राप्त नहीं किए हो, ठीक है, बट सब 16 साल से ऊपर है भाई, ठीक है। नए नियम जो है 16 साल से नीचे वालों को कोचिंग नहीं दी जाएगी, सब 16 साल से ऊपर है, 18, 19, 20 और सब इंटर पास कर चुके हैं, ठीक है। चलो, तो आर्टिकल 173 में विधानसभा की सदस्यता के लिए निर्धारित योग्यता वही है जो लोकसभा के लिए है, वह भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद पर कार्यरत न हो तथा संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन राज्य विधानसभा के सदस्य चुने जाने के अयोग्य न हो। इतना समझ में आ गया। विधानसभा का सदस्य चुने जाने के बाद और पद ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल या उसके प्रतिनिधि के समक्ष उसे क्या लेनी पड़ती, शपथ लेनी पड़ती है, शपथ और प्रतिज्ञा, शपथ या
प्रतिज्ञा लेनी पड़ती है, जो कि अनुसूची 3 में मिलती है। हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, उसकी तीसरी अनुसूची ओथ एंड अफर्मेशन, शपथ और प्रतिज्ञा के प्रारूप, वहां पे बता रखा है कि कोई विधायक कैसी शपथ लेगा, पद और गोपनीयता की शपथ लेगा। क्या लेगा? ठीक है, तो आपने सुना होगा राज्यपाल दिलाते हैं शपथ। कौन दिलाते हैं? हमारे राज्य में राज्यपाल दिलाते हैं। जो मुख्यमंत्री होंगे उनको राज्यपाल दिलाएंगे, मुख्यमंत्री जो लिस्ट देंगे कि भाई ये मेरे मंत्री हैं, उनको भी कौन दिलाएंगे? राज्यपाल दिलाएंगे। ठीक है, अगर माना राज्यपाल ना हो तो फिर उनका प्रतिनिधि दिलाता है। कौन दिलाता है? बट राज्यपाल याद रखिए आप। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है भाई, किंतु राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तन की स्थिति में अगर 352 नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है तब विधानसभा की अवधि 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है, लेकिन इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि आपातकाल के समाप्त होने के 6 महीने से अधिक समय तक जारी नहीं रह सकती। जब आपातकाल लगता है उस समय 1 साल के लिए बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, विधानसभा का विघटन क्या 5 वर्ष पूरा होने से पूर्व किया जा सकता है? क्या किया जा सकता है भाई? धामी जी हमारे, माना उन्हें लगता है कि विघटन करना है तो बोल सकते हैं राज्यपाल को कि जी विघटित कर दो। तो जो चुनाव होंगे फिर उन चुनाव को बोलते हैं मध्यावधि चुनाव। क्या बोलते हैं? चाहे वो 4 साल 3 महीने में विघटित कर दे, माना जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था, पहले विघटित कर दी थी। तो जो चुनाव होते हैं उनको क्या बोलते हैं? मध्यावधि चुनाव। मध्यावधि का मतलब 2.5 वर्ष नहीं होता है, 4 साल भी आपने कार्यकाल कर दिया, आपको लगा कि यार हमारे जीतने के पूरे पूरे चांसेस हैं, इस समय माहौल बड़ा क्या है राममयी है, और इस समय क्या है कि दोबारे कौन इंतजार करे, फिर बाद में पता नहीं क्या होता है, तो क्या कर दो, विघटित कर दो। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से बोल के विघटित करवा सकते हैं, और मुख्यमंत्री राज्यपाल से बोल के विघटित करवाकर दोबारा इलेक्शन करवाएंगे। ऐसे इलेक्शन को क्या बोलते हैं? मध्यावधि चुनाव। हाँ, अगर किसी विधायक या किसी सांसद की मृत्यु हो जाती है, उसकी जगह पर जो चुनाव होता है उसको बोलते हैं उपचुनाव। क्या बोलते हैं? ये भी ध्यान रखना, डिग्रिया लेने से नहीं होगा खाली। तो भाई 5 वर्ष पूरा होने से पूर्व भी किया जा सकता है विघटन। अच्छा, विधान परिषद का नहीं कर सकते विघटन, तो स्थायी सदन है। चलो, इसका विघटन मंत्री परिषद की सलाह पर राज्यपाल द्वारा किया जाता है। मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। राज्य मंत्री परिषद का प्रधान कौन होगा? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री बोलेंगे मंत्री परिषद की सलाह से राज्यपाल को। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने की स्थिति में विधानसभा को विघटित किया जा सकता है। अब मैंने आपको बताया 2 कारणों से लगती है, जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए या राष्ट्रपति को यह भरोसा हो जाए कि क्या कि केंद्र ने राज्यों को निर्देश दिए और राज्य उन निर्देशों का पालन करने में असमर्थ रहा। ठीक है, तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? वहां पर राष्ट्रपति शासन 356 लगा सकता है। इतना समझ में आ गया? ठीक है, विधानसभा में बैठक की गण पूर्ति के लिए 1/10 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होती है, और यह संख्या किसी भी हालत में 10 से कम नहीं होनी चाहिए। किससे कम नहीं होनी चाहिए? 10 से कम नहीं होनी चाहिए। भाई हमारे यहाँ 70 है, 1/10 कितना हुआ? 7। तो यार 7 लोग बैठेंगे विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो जाएगी? है 7 लोगों को तो मैं नहीं पढ़ाता। जब 7 बच्चे आते हैं तो मैं क्या बोलता हूँ? कम है आज, कोरम पूरा नहीं है। तू नहीं पढ़ाता हूँ, मैं हमेशा पढ़ाता हूँ। एक भी आए तो भी पढ़ाता हूं मैं, क्योंकि मैंने अशोक के शिलालेख में पढ़ा था कि एक अकेला व्यक्ति भी क्या कर सकता है? शिलालेख सुनने की चाहत रख सकता है, उसको सुनाना पड़ेगा जो बगल में शिलालेख के बगल में जो सरकारी कर्मचारी होगा, है ना। तो विधानसभा की गणपूर्ति कितनी होती है? 1/10। 1/10 याद रखना आपने, कोरम बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? लेकिन किसी भी हाल में 10 से कम नहीं होना चाहिए। किसी भी हाल में 10 से कम नहीं होना चाहिए। विधानसभा का सत्र वर्ष में कम से कम 2 बार आहूत किया जाना चाहिए। अब 2 बार क्यों? क्योंकि 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। प्रथम सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच में 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। विशेष परिस्थितियों में विधानसभा का विशेष सत्र भी राज्यपाल द्वारा बुलाया जा सकता है, और उसके उदाहरण हो सकता है आपको कुछ दिनों में देखने को मिल जाए। राज्यपाल जी क्या करेंगे? क्या करेंगे? हो सकता है विशेष सत्र बुलाएं। ठीक है, संविधान के आर्टिकल 178 के अनुसार विधानसभा के सदस्य अपने में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष और दूसरे को उपाध्यक्ष चुन लेते हैं। क्या करते हैं? कौन है विधानसभा अध्यक्ष आपके उत्तराखंड के? हाँ जी, मैडम ऋतु खंदूड़ी। मैडम ऋतु खंदूड़ी, ठीक है, किनकी? जनरल भुवनचंद खंदूड़ी जी की बेटी है, वो विधानसभा अध्यक्ष है। उपाध्यक्ष कौन है आपकी? उपाध्यक्ष कौन है?
बस राज्यपाल कौन है? उनके रैंक के साथ बोले, सम्मान के साथ, महामहिम। जी रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल, लेफ्टिनेंट कर्नल, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी, महामहिम। क्या बोलना है आपने? महामहिम। ठीक है, एक बालिका से इंटरव्यू में पूछा गया देश में कितनी महिला मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा कि क्या नाम है दीदी का, नाम क्या है? उन्होंने कहा ममता बनर्जी हैं। उन्होंने कहा कुछ नाम ले लिए जैसे ऐसे ही ना, ममता बनर्जी हैं और बहन जी का नाम क्या है, मायावती जी हैं, ऐसे ही बोल दिया जैसे, और नीचे जयललिता जी हैं, ना तो जी लगाया और ना उनके आगे श्रीमती या सुश्री लगाया। तो इस चीज पे भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है कई बार। जब आपने बोलना है सम्मान के साथ बोलना है, ठीक है। चलिए जी, तो संविधान के अनुच्छेद 168 के तहत विधान, हाँ रघुनाथ सिंह चौहान जी हैं, ठीक है। आर्टिकल 178 के अनुसार विधानसभा के सदस्य अपने में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष, एक को उपाध्यक्ष चुन लेते हैं। विधानसभा भंग होने पर अध्यक्ष अगली नव निर्वाचित विधानसभा के प्रथम अधिवेशन तक अपने पद पर बना रहता है। ये ध्यान रखना, विधानसभा विघटित हो जाएगी, सब लोग को त्याग पत्र देना पड़ता है, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष जो होता है, जब तक अगली विधानसभा का पहला सत्र नहीं बैठा, जब तक प्रोटेम स्पीकर ने गद्दी नहीं संभाली, तब तक क्या करेगा विधानसभा अध्यक्ष? विधानसभा अध्यक्ष रहता है। ये समझ में आया? माना विधानसभा विघटित हो गई, क्या हो गई? विघटित हो गई, सबको त्याग पत्र, सबने त्याग पत्र दे दिया, सबकी सदस्यता समाप्त हो गई, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष की सदस्यता समाप्त तब तक नहीं होती है जब तक अगली सरकार नहीं बनती है, विधानसभा का पहला सत्र नहीं बैठता है, ठीक है। उस दिन तक विधानसभा अध्यक्ष रहता है। अब जिस दिन उनकी पहली नई सरकार की पहली विधानसभा बैठेगी, मतलब सत्र बैठेगा, उस दिन वो क्या करेंगे, जो सबसे सीनियर मेंबर होगा, सबसे ज्यादा उम्र का व्यक्ति होगा, उम्र भी नहीं बोलते हैं, सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस जिसको होगा उसको प्रोटेम स्पीकर चुनते हैं। क्या चुनते हैं? प्रोटेम स्पीकर चुनते हैं। वो प्रोटेम स्पीकर क्या कराते हैं? इलेक्शन कराते हैं, और फिर उसमें क्या करते हैं, एक विधानसभा अध्यक्ष, एक विधानसभा उपाध्यक्ष चुनवाते हैं, वो अपनी चेयर छोड़ते हैं, वो उसको बिठाते हैं, किसको? जो चुना हुआ विधानसभा अध्यक्ष होता है, ठीक है। तो जो बुजुर्गियत है वो यहां पर काम आती है प्रोटेम स्पीकर बनने के। और फिर वो पेपर में क्वेश्चन आता कि इस बार प्रोटेम स्पीकर कौन थे, तब तो बहुत पुरानी बात हो गई, पर जब जब नई विधानसभाएं बैठेंगी तो प्रोटेम स्पीकर का क्वेश्चन बनता है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। प्रोटेम स्पीकर कौन होता है? सबसे वरिष्ठ व्यक्ति जो होता है, जो मेंबर होगा, उसको प्रोटेम स्पीकर बनाने का प्रयास किया जाता है। चलो जी, ये सम्मान देने के लिए होता हमको। विधानसभा अध्यक्ष सामान्यतः 5 वर्षों के लिए निर्वाचित की जाती है, किंतु वह इसके पहले उपाध्यक्ष को अपना इस्तीफा देकर पद छोड़ सकता है। कौन? विधानसभा अध्यक्ष किसको? उपाध्यक्ष को। उपाध्यक्ष किसको? अध्यक्ष को अपना इस्तीफा देता है। यदि अध्यक्ष विधानसभा का सदस्य नहीं रहे तो भी उसे अध्यक्ष पद से त्याग पत्र देना पड़ता है। इसके अलावा विधानसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत के प्रस्ताव के द्वारा भी अध्यक्ष को अपदस्थ किया जा सकता है। इसके द्वारा विधानसभा के तत्कालीन सदस्यों, उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत के प्रस्ताव से भी विधानसभा अध्यक्ष को पदस्थ किया जा सकता है, परंतु ऐसा प्रस्ताव पेश करने से पूर्व अध्यक्ष को 14 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ती है। 14 दिन देने के बाद जब अध्यक्ष के विरुद्ध प्रस्ताव प्रस्तुत हो तो अध्यक्ष उस बैठक की अध्यक्षता नहीं करता है, तब पीठासीन नहीं होगा। वो क्या नहीं होगा? सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, जब विधानसभा अध्यक्ष के विरुद्ध क्या चल रहा है, कार्यवाही चल रही है सदन में, तब वो अपनी पीठ पर नहीं बैठेगा। कहां बैठेगा? नीचे बैठेगा। कहां? नीचे मतलब जमीन पर नहीं, उस पीठ से वो भाग, तो वो क्या करेगा, मतदान देने का अधिकार होगा उसको। क्या होगा? मतदान अपने पक्ष डाल सकता है, भाई मैं गलत नहीं हूं क्या। हाँ, विधानसभा का अध्यक्ष वही कार्य करता है जो लोकसभा अध्यक्ष करता है। अब क्या करता है, इतना बोलने तो होगा नहीं, तो वो क्योंकि पॉलिटी में पढ़ना हमने, वो वहां पर पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब भाई विधानसभा सदस्यों की संख्या के बारे में, मेरे ख्याल से कितना समय हो गया, ठीक है, तो इतना काफी है, अगले वीडियो में बताऊंगा।